लगाया है। वो कह रही हैं कि पार्टी के एक बड़े नेता फोन उनको आया और वो कह रहे हैं कि सभी पर दबाव बनाया जा रहा है, जो स्वाति मालीवाल का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि मैं अकेले भले ही हूं लेकिन मैं लड़ती रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कि कैसे सभी पर बहुत दबाव है, पर्सनल फोटो लीक करने का दबाव है, यानी कैसे इस मामले में अब स्वाति मालीवाल को एक तरह से अब फंसाने की एक नई कोशिशें क्या हो रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी फोटोग्राफ्स है, पर्सनल फोटोग्राफ्स, उसको लीक करने का दबाव है, यानी जिसके पास जो चीजें हैं उसको लीक करने का दबाव है, पर्सनल फोटो लीक करने का दबाव है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़े आरोप हैं। तो इस वक्त आपको बताएं, दूसरी तरफ केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना, कहते थे कि हर जगह सीसीटीवी लगवा दूंगा, सीएम हाउस का अनकट फुटेज नहीं दे रहे हैं। ये अब बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हिमानी हमलावर है, वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा श्वेता, कि हर जगह ये कहते थे कि सीसीटीवी होने चाहिए, सीसीटीवी लगवा दूंगा, मार्शल से ना जाने क्या क्या वादे कर जब सत्ता में दरअसल अरविंद केजरीवाल आए थे तब बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन अब सीएम हाउस के भीतर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। तो सुना आपने कि सुधांशु त्रिवेदी यहां पर क्या कह रहे हैं, सीएम हाउस का अनकट वीडियो जो है वो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देने से इनकार कर रहे हैं, क्या वैभव कुमार को बचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो मुंबई से वापस लौट चुकी है वैभव कुमार को लेकर। आपको बता दें कि कल वैभव कुमार को कर गई थी मुंबई, दरअसल तीन जगहों जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई थी और फिर उसके बाद उन लोकेशंस पर ले जाया गया जांच के लिए, और साथ ही साथ कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, क्योंकि वैभव कुमार की ओर से ही ये कहा गया था कि मुंबई में उन्होंने अपना फोन फॉर्मेट करवाया था। तो कुछ लोगों के बयान भी इस दौरान दर्ज किए गए हैं, और वैभव को लेकर अब वापस लौट चुकी है दिल्ली पुलिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है और जिस कवायद में दिल्ली पुलिस लगी हुई है कि वैभव कुमार का जो डेटा है वो रिट्रीव किया जा सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह लगता है कि उनके फोन से बहुत कुछ सामने निकल कर आ सकता है। श्वेता, तो इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से वैभव कुमार का वो फोन जो उन्होंने छिपा के रखा है, रिट्रीव किया गया उसका डेटा, और मुंबई लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, वो जगह जहां पर वैभव कुमार ने बताई थी वो तीन अलग अलग लोकेशंस, वहां पर लेकर के जाया गया, और इस मामले में आज वापस लौट करके इस वक्त दिल्ली लेकर के आ रही है पुलिस की टीम। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं पुणे की। पुणे में नाबालिग मामले में एक और धारा जोड़ दी गई है। इस मामले में हिट एंड रन केस में आपको बता दें, नशे में गाड़ी चलाने की जो धारा है वो जोड़ दी गई है। नाबालिग के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था नाबालिग, धारा 185 को लगाया गया है इसमें, क्योंकि मांग यही की जा रही थी कि ये जो धारा है नशे की हालत में गाड़ी चलाने की, ये भी जोड़ी जाए। आज इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेशी भी होगी आरोपी की, क्योंकि ये मांग हो रही है, 17 साल 8 महीने उम्र है आरोपी की, और इसीलिए ये जो केस है इसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। ये इस बीच आपको बताते हैं जो मांग उठ रही है वो क्या है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सेक्शन जोड़ा गया है, 185, धारा 185 जोड़ी गई है, क्योंकि नशे की हालत में धुत होकर के आरोपी गाड़ी चला रहा था, नाबालिग गाड़ी चला रहा था, और इस मामले में पेशे के लिए कोर्ट ले जाया गया है आरोपी को। इस वक्त आपको बता दें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा आरोपी को इस मामले में। इस बीच आपको बताएं कि जो मृतका का परिवार है वो ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा केस जुवेनाइल की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह ट्रीट होना चाहिए, यानी कि वो धाराएं जो एक इसी मामले में बालिग पर लग सकती है वही धाराएं लगनी चाहिए, यानी भारतीय दंड संहिता इस पर लागू होनी चाहिए, जुवेनाइल एक्ट के तहत ये केस नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि आज जब पेशी होती है, पेशी के लिए ले जाया गया है आरोपी को, तब क्या कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं कि रईस ज़ादा का जो ये परिवार